ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी ने इस संगम युग पर ये जान लिया कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। संसार में भी इन दोनों बातों का मनुष्यों को बड़ा अभिमान रहता है और हम सभी को तो इन दोनों का स्वमान रहता है, ईश्वरीय नशा रहता है, जिसको जन्म जन्म याद करते थे, जिससे मिलने के लिए ये नैन तरसते थे, जिसके द्वारा गीता ज्ञान सुनने के लिए हम प्यासे थे, वो आकर हमारा बन गया है। हमें उसने ये कहने का अधिकार दे दिया है कि मैं तुम्हारा हूं। कहां हम कहते थे हे प्रभु हम तो तुम्हारे चरणों के दास हैं, और कहां वो कहता है बच्चे तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, तुम तो मेरे दिल तख्त नशीन हो, तुम तो मेरे हो। तो स्वयं भगवान मेरा हो गया, हमने तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो सोचो मेरा कौन, वो जो सर्वशक्तिवान है, वो जो भाग्य विधाता है, जो जगत नियंता है, जो ज्ञान का सागर है, जो सृष्टि का बीज रूप है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है, वो मेरा है। इससे बड़ा नशा और क्या हो सकता है। दुनिया में यदि किसी का नाता किसी बड़े आदमी से होता है तो लोग धमकी भी दिया करते हैं, तुम्हें पता है फलाना मिनिस्टर हमारा अपना है, फलाना कमिश्नर हमारा अपना है। और हमारा अपना कौन? स्वयं भगवान। हम उसकी छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं। तो इस नशे को बढ़ाते जाएंगे साथ साथ। मैं कौन हूं, विचार करें, मैं कौन हूं? वही जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, सर्वशक्तिवान की संतान, सभी शक्तियों से संपन्न, इस सृष्टि का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, कल्प वृक्ष की जड़ें, जहान का नूर। मैं भी कोई साधारण नहीं, मैं एक महान आत्मा। एक समय आएगा जिसके भाग्य को देखकर लोग बहुत ईर्ष्या करेंगे, संसार में अत्यधिक भाग्यवान हूं। तो यदि हम इस नशे में रहते हैं, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, तो सांसारिक सभी नशे उतर जाते हैं, हमारे जीवन में डिविनिटी आने लगती है, हमारा चित्त शांत और आनंद से भरपूर रहने लगता है। तो हम जितने बड़े हैं और जितने बड़े बाप के बच्चे हैं, उतना ही बड़ा दिल भी हम रखें और उतने ही नम्र चित्त होकर भी रहें। महान वही है जो बहुत नम्र चित्त हो, जो झुककर चलता है, वही सबको उठा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। और जो अकड़ कर रहता है वो तो जहां तहां टकराता रहता है। तो हम बड़े हैं, अपने बड़प्पन को सदा कायम रखें, हमें अपने बड़प्पन में स्वयं ही स्थिर रहना है, तो संसार भी हमें उसी नजर से देखेगा। तो आज सारा दिन हम एक बहुत अच्छे ड्रिल करेंगे। मैं हूं कौन? मास्टर ज्ञान सूर्य, जिसके प्रकाश से ये जग प्रकाशित हो रहा है, जिसके प्रकाश से जग का तिमिर हट रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, अपने को मस्तक के बीच चमकता हुआ मास्टर ज्ञान सूर्य देखेंगे, और मुझसे चारों ओर गोल्डन किरणें फैल रही हैं, बहुत तेजस्वी।
मेरे सम्मुख हैं, स्वयं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनको अपने सामने देखें, उनकी तेजस्वी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं, वे परम धाम से नीचे उतरकर मेरी आंखों के सम्मुख आ गए हैं। बस इस बहुत पावरफुल स्थिति का आनंद लें, इससे विक्रम विनाश होंगे, आत्मा बहुत पवित्र बन जाएगी। ओम शांति।